सावन महीने का प्रत्येक दिन प्रत्येक तिथि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कल सावन के महीने का बुधवार है और बुधवार का दिन गौरी नंदन श्री गणेश को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन होता है। गौरी सूत्र रिद्धि सिद्धि एवं बुद्धि के दाता हैं, इसीलिए श्री गणेश की कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और हर कष्ट से हमारी मुक्ति हो जाती है। धन संबंधित किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किया गया ये छोटा सा उपाय बहुत ही कारगर होता है। ये उपाय वैसे तो किसी भी बुधवार को किया जा सकता है, लेकिन सावन का महीना शिव परिवार की आराधना करने के लिए अत्यंत ही महत्व का होता है। इसीलिए अगर सावन के किसी भी बुधवार को ये उपाय किया जाए तो बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपके पास सुबह में टाइम है तो आप इसे सुबह में कर सकते हैं, वरना बुधवार में आप शाम में भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए सुबह में नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें और भगवान श्री गणेश की विग्रह के आगे, मूर्ति के आगे या किसी फोटो के आगे बैठ जाएं और उनकी पूजा करें। चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या फिर किसी गणेश मंदिर में भी जा सकते हैं पूजा करने के लिए। पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश के सामने घी का दिया जलाएं एवं सुगंधित धूप जलाएं। भगवान श्री गणेश को लाल रंग का फूल चढ़ाएं और लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। सिंदूर से भगवान श्री गणेश का तिलक करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें। दूर्वा घास भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री गणेश को जटाओं वाला नारियल चढ़ाएं और गणेश चालीसा का, गणेश स्त्रोत्र का या भगवान गणेश के किसी मंत्र ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें कि गणेश मंत्रों का जाप तुलसी माला पर नहीं किया जाता और ना ही श्री गणेश जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद भगवान गणेश से अपनी समस्या के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में कहें और इसे दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। फिर जो नारियल आपने भगवान गणेश को अर्पण किया है, भगवान गणेश को चढ़ाया है, उसे फोड़कर खुद भी खाएं और परिवार को भी प्रसाद रूप में खिलाएं, जिससे कि पूरे परिवार को भगवान गणेश का आशीर्वाद मिल सके। नारियल का ये बहुत ही छोटा सा उपाय है जो सावन में किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं। धन संबंधित सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, रोजगार संबंधित सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, भगवान गणेश की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, जिससे कि सारी मुश्किलें हमारे जीवन की दूर हो जाएं, ये उपाय बहुत ही कारगर है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, भगवान गणेश की विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा दृष्टि यदि मिल जाए तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं।